of an angiosperm contains the stamen and the pistil, the male and female sex organs respectively. ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभी बताई कि जो एंजियोस्पर्म में फ्लावर रहेगा उसमें दो मेन असेंशियल पार्ट्स रहेंगे, दैट इज पिस्टल। पिस्टल में जो ओवरी है, आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, दिस इज द ओवरी पार्ट, और ओवरी में मल्टीपल ओव्यूल्स दिख रहे हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको यहाँ पे टोटल 6 ओव्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ओव्यूल इज मॉडिफाइड इनटू सीड्स एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट पार्ट। ठीक है, वहीं पे पॉलन ग्रेन एंथर से आ रहे हैं यहाँ पे, और ये कौन सा फ्लावर है स्नेहा, इट्स अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर? स्नेहा, बाइसेक्सुअल, करेक्ट, ओके, बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द सीमन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज द पिस्टल। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस मैम। द स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, फिलामेंट एंड एंथर। द माइक्रोस्पोरेंजिया इनसाइड द बेटा ये दिखाया है एक स्ट्रक्चर एंथर। ठीक है, मैं ड्रॉ करती हूँ इसको एक, कि क्या व्यू आप इस टाइम देख रहे हो। ये है स्टेमन, ठीक है, ये कंप्लीट बना रही हूँ मैं, दिस इज द स्टेमन। स्टेमन के इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, और लोब लाइक पार्ट जो ऊपर दिख रहा है उसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, अगर आप इस एंथर का ट्रांसवर सेक्शन काटो तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा लाइक अ बटरफ्लाई। ठीक है, एंथर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप ये चीज प्लस टू क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, ऐसा दिखेगा। इस एंथर के अंदर जब आप इसका ट्रांसवर सेक्शन देखोगे तो मैं यहाँ पे चार सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। एक्चुअल में दीज आर व्हाट, ये है पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर फॉर्मेशन होगी किस चीज की, पोलन ग्रेन। ठीक है, तो आप इस टाइम जो देख रहे हो दिस इज अ पोलन सैक। ये पोलन सैक के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो पॉलिनेशन के थ्रू ट्रांसफर होंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा इज द पार्ट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, contain the microspore mothers. पॉलन ग्रेन को बनाने के लिए जो स्पेशल सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। दीज मदर सेल्स अंडरगो, ठीक है, जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मायोसिस डिवीजन करेगा बेटा, मेरे को समृद्धि बताएगी। समृद्धि, आप मेरे को बताइए व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। कृतिका कपूर, व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल? इशिता, यस मैम, व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल? इट्स अ हैप्लॉयड और डिप्लॉयड? फोर मदर सेल की प्लॉयडी बच्चे 2n होती है, और जब आप 2n लिखते हो तो 2n को डिप्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, जब आप n लिख रहे हो, स्मॉल n लिख रहे हो, तो उसका मतलब है हैप्लॉयड। ठीक है, और मायोसिस डिवीजन से एक डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में चेंज हो जाता है। और अगर आप 3n लिख रहे हैं कहीं पे, जैसे एंडोस्पर्म में 3n लिखा, तो उसकी प्लॉयडी क्या है बच्चे, ट्रिप्लॉयड। ओके, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें 4n भी लिखा जाता है, आप उनको आप नेक्स्ट हाई क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे 2n डिप्लॉयड होता है प्लॉयडी माइक्रोस्पोर मदर सेल की, जो माइक्रोस्पोर बना रहा है।
माइक्रोस्कोर ये दिख रहे हैं आपको नेक्स्ट वाली इमेज में. दीज आर द माइक्रोस्कोर विच आर फॉर्मड आफ्टर द मियोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन इज अ रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज द प्लॉइडी जो होती है बेटा वो हाफ होगी ना यहाँ पे तो रिडक्शन हुई. ठीक है और एक मेच्योर पॉलन ग्रेन कैसा दिखता है वो दिखता है इस तरह का. ठीक है ये उसकी आउटर लेयर होती है इसको एग्जाइम बोलते हैं. इसकी इनर लेयर होती है इसको एंटाइम बोलते हैं. ठीक है इसमें दो तरह के स्पेशल सेल्स होते हैं इसको जनरेटिव सेल बोलते हैं और इसको वेजिटेटिव सेल बोलते हैं. ठीक है बात समझ आ रही है. ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे चल के फिर से माइटोटिकली दो में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है जिससे बनेंगे दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जिनमें से एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और दूसरा वाला हैप्लॉइड जो होगा वो किसके साथ फ्यूज करेगा वो फ्यूज करेगा बेटा पोलर न्यूक्लियाई के साथ. किसके साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ यानी स्टैंडिंग न्यूक्लियस के साथ. ठीक है ये चीज तो आपको पता चल गई कल भी बताया था मैंने आपको. ठीक है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ प्रेजेंट है एंथर के पोलन सैक में. ठीक है जहाँ पे वो मायोसिस डिवीजन करके माइक्रोस्पोर बना रहा है विच इज चेंज इनटू मैच्योर पोलन ग्रेन. मायोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स व्हिच देन डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स द मेल गैमेटोफाइट्स. The pollen grains are produced inside the anther. On the other hand, the pistil consists of the stigma at the tip, followed by the style in the middle. Stigma pollen grain के लिए platform होता है. जब यहाँ से pollen grain stigma पे आते हैं, तो यहाँ पे stigma पे ऊपर जाके वो क्या कर जाते हैं? Stick कर जाते हैं. ठीक है? आपको पता कि pollen grains भी काफी हद तक lightweight और hairy होते हैं outside से. हेयरी बोले या स्टिकी होते हैं या रफ होते हैं और स्टिग्मा भी वैसा रहता है क्योंकि दोनों को साथ में बाइंड करना है एडहियर करना है. ठीक है तो वो किसकी हेल्प से कर पाएगा अगर उन दोनों का सरफेस जो है वो हेयरी होगा तो वो इजिली एक दूसरे के साथ अटैच कर पाएंगे. अगर स्मूथ होगा दोनों का सरफेस तो वो स्लिप कर जाएगा वो उसके प्लेटफॉर्म पे वहां पे स्टे नहीं कर पाएगा. कौन पोलन ग्रेन. ठीक है एंड एन ओवरी एट द बेस द ओव्यूल्स और द मेगास्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी. दीस आर अब बात करते हैं कि ओवरी में क्या है. ओव्यूल है बहुत सारे भी है हो सकते हैं सिंगल भी हो सकता है. ध्यान से समझो ovule containing megaspore mother cell. ovule के अंदर कौन प्रेजेंट है megaspore mother cell. रिशिका what is the ploidy of megaspore mother cell. रिशिका what is the ploidy of megaspore mother cell. it's haploid or diploid. haploid. next मेरे को बताएगी वंशिका. वंशिका ऋषिका ने बोला हैप्लॉइड है. ऋषिका ने सही बोला डिप्लॉइड. मेगास्पोर मदर सेल. बच्चे ऋषिका ध्यान दीजिए कि जो भी गैमीट्स बनाने वाले स्पेशल सेल्स सेक्स ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं ओवरी और एंथर में उन सेल्स को बोलते हैं मदर सेल. ओव्यूल में मेगास्पोर मदर सेल और एंथर में पोलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल. ठीक है यहाँ पे एग मदर सेल भी बोल सकते हैं एग को बनाने वाले. ओके उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है ऋषिका हैप्लॉइड नहीं होती. पीछे भी तुम्हें मैंने माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात बताई तो मैंने आपसे प्लॉइडी पूछी तो उसकी प्लॉइडी भी 2n है और उससे बन रहे हैं 4 ईच. माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म्स द
four haploid microspores which change into pollen grains. तो सेम यहाँ पे भी वही चीज है, ये फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाएगा, कितने बनाएगा, फोर, और प्लॉइडी क्या होगी उनकी, हैप्लॉइड, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, मायोसिस हो रही है. ऋषिका क्लियर हुआ? यस मैम. व्यूज कंटेन द मेगास्पोर मदर सेल. Which following meiosis develops into the haploid female gametophyte called the embryo sac. अब ये जो इसके surrounding का part होता है, या बोल सकते हैं कि ovule के अंदर जो special part रहता है, जहाँ पे microspore, megaspore mother cell meiosis division से haploid cells बना रहा है, वो कौन सा पार्ट है, एम्ब्रियो सैक. और एम्ब्रियो सैक के बाहर कौन सा पार्ट बताया था कल, बताइए, बोलो बोलो जल्दी बोलो बोलो बच्चे. वंशिका मैम, एपिडर्मल लेयर एंड देन इंटेग्यूमेन. आउटर इज अ न्यू सेलस एंड आफ्टर आउटर मोस्ट न्यूसेलस के बाहर रहता है, दैट इज द इंटेग्यूमेंट. एक ओव्यूल में ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, इंटेग्यूमेंट, नेक्स्ट वन इज ए न्यूसेलस, उससे नेक्स्ट एम्ब्रियो सैक. और जहाँ पे ये हर एक सेल जो होगा उसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा है उसकी प्लॉइडी जो है दैट इज हैप्लॉइड. ठीक है, दीज थ्री सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स. कौन से सेल्स हैं ये, एंटीपोडल सेल्स. एंड प्लॉइडी क्या होती है इनकी, हर एक की एन होती है. ठीक है बच्चे, बात समझ आ रही है. सेंटर में होता है, इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल. और इस सेंट्रल सेल के अंदर जो दो न्यूक्लियस पड़े होंगे उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस. और नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ साथ में ये दो सिनर्जिड्स हैं और ये है एग. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन से जो दो न्यूक्लियस आने वाले हैं, एक एग के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा इसके साथ सेंट्रल सेल के अंदर पॉलन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा. जब एक एन और यहाँ पे फ्यूज कर जाएगा तो बच्चों ये तो बन गया 3N. और एग जो ऑलरेडी एन था, जब इसके साथ मेल गैमेट का एन जुड़ गया तो ये बन गया 2N. और ये 2N वाला सेल इसको क्या बोलेंगे, जायगोट. और इसको 3N वाले को क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म. ठीक है, समझ गए? The embryo sac has a three-celled egg apparatus consisting of one egg cell, two synergids. कल भी बताया था, egg apparatus किसको बोलते हैं, जिसमें दो synergids और एग सेंटर में एग सेल होता है, कंबाइन में इसको egg apparatus बोलते हैं. Three antipodal cells and two polar nuclei. The polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus. The embryo sac now becomes ready for fertilization, which in the case of angiosperms takes place by a process called pollination. During pollination, the anther disperses the pollen grains, which are then carried by agents such as the wind and insects, and are deposited over the stigma of a pistil. ठीक है, पॉलिनेशन में मैंने बताया था कि पॉलिनेशन में एजेंट्स हेल्प करते हैं, बायोटिक या फिर एबायोटिक, जो पॉलन ग्रेन को डिस्पर्स करते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है, जहाँ पे ओव्यूल के सॉरी पॉलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करता है. और ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो पॉलन ग्रेन का, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलन ट्यूब. इस पॉलन ट्यूब का काम क्या होता है, जो मेल का न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन से आया है वो
ओव्यूल तक पहुंचाना, ठीक है, तो कौन हेल्प करेगा? पॉलन ट्यूब। ओके यस मैम। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स एंड प्रोड्यूसेस अ पॉलन ट्यूब। This tube penetrates the tissues of the stigma and style to enter the embryo sac inside the ovule. It discharges two male gametes inside the embryo sac. While one gamete fuses with the egg cell to produce a zygote, the other gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus. जो आगे चल के modified हो जाता है endosperm, जैसे fusion हुई सेकेंड मेल न्यूक्लियस की पॉलर न्यूक्लियाई के साथ, तो वो 3N बन जाता है और उस स्ट्रक्चर को, उस सेल को बोलते हैं, अब वो मॉडिफाइड हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, उसको बोलते हैं PEN, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इवेंट इज कॉल्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PEN? एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या बताया स्नेहा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? Vanshika, what is the function of endosperm? Ma'am, to give nutrients to developing embryo. A developing embryo zygote se ban gaya. Double fertilization, as it involves two fusions. Kritika. Smriti. Yes, ma'am. निधि आप मेरे को बताइए, एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, ये प्रोसेस जिम्नोस्पर्म में होता है? जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है बेटा? हु विल गिव द आंसर? जायगोट। वंशिका, कैन यू रिपीट? नो मैम, जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन। यस करेक्ट, डबल फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द जिम्नोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन नॉर्मल होती है, ओनली एग एंड मेल गैमीट, वन न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमीट इज फ्यूजेस विद द एग एंड दैट फॉर्म्स द जायगोट एंड दैट चेंज इनटू एम्ब्रियो। बट उसको न्यूट्रिएंट्स अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि अदर पार्ट्स दे देंगे, उसको एंडोस्पर्म वहां पे नहीं बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है जिम्नोस्पर्म्स में। इंटरेस्टिंगली, डबल फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स डीजेनरेट। ठीक है, आपको अभी बताया मैंने, सिनर्जिड्स का काम खत्म, वो डिजेनरेट कर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। एंटीपोडल्स का भी काम खत्म हो गया, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे जनरली। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहता है? जायगोट रहता है और एंडोस्पर्म रहता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वहां पे मॉडिफिकेशन होके ओवरी चेंज इंटू फ्रूट एंड ओव्यूल चेंज इंटू सीड। ऑन द अदर हैंड, द जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो and the primary endosperm nucleus develops into an endosperm which nourishes the zygote. Simultaneously, the ovule develops into a seed and the ovary into a fruit. Seed coat banegi integument se aur ovary ki wall se banega fruit, theek hai, aur yahan pe center mein rahega embryo aur uske उस पूरे फॉर्म को क्या बोलेंगे? ओव्यूल के उस फॉर्म को बोलेंगे मॉडिफाइड इनटू सीड। ओके, सीड कोट कहाँ से बन रही है? इंटेगुमेंट से बन रही है, उसके अंदर के पार्ट सीड में चेंज हो रहे हैं और जायगोट मॉडिफाइड हो गया एम्ब्रियो में, जो पर्सिस करेगा सीड के अंदर। द सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, जब आप एक सीड को एडिक्वेट, हर एक नीड जो उसकी है जर्मिनेशन के लिए वो प्रोवाइड करोगे, तो सीड में स्प्राउटिंग होती है। स्प्राउटिंग होने के बाद रेडिकल और प्लीम्यूल निकलता है। प्लीम्यूल कौन सा सिस्टम बनाता है बच्चे? शूट सिस्टम। और रेडिकल? रूट सिस्टम। जो रूट्स रेडिकल से बनती हैं वो कौन सी रूट्स होती है? टैप रूट। वेरी गुड, टैप रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आप लोग बीन्स की तरह देख रहे हो ना, तो बीन्स में कितने कॉटिलीडन होते हैं?
सिंगल और टू? बोलो बच्चे, बीन्स में कितने कॉटिलीडन होते हैं, सिंगल और डबल? ब्लैक ग्राम देखा है, कितने कॉटिलीडन होते हैं इसमें, कितने हाफ बन जाते हैं स्प्लिट करके? टू। तो मैंने अभी कहा कि जिसमें सीड के अंदर दो कॉटिलीडन होंगे उनको डाइकॉट प्लांट्स बोलते हैं, और जिसमें सिंगल कॉटिलीडन होता है जैसे कि मेज की बात करें तो उसको मोनोकोट प्लांट बोलते हैं। The embryo develops into a new plant. Angiosperms are one of the biggest plant groups and they grow in diverse habitats. देखिए, सब हमने डिविजन्स पढ़ी जिसमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा वास्ट वैरायटी के हैं, ठीक है? हमारे इस अर्थ पे वास्ट वैरायटी के एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा यहाँ पे हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है? कई ऐसे प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं जो टॉक्सिक भी होते हैं, जिनके फ्लावर्स टॉक्सिक भी होते हैं, कुछ का मेडिसिनल यूज भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था तुलसी का, है ना? तुलसी का एक मेडिसिनल यूज है, उसको कफ को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। नीम हो गया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स व्हिच कम्स अंडर द एंजियोस्पर्म्स सच एज लैंड एंड वाटर as well as in different climatic. बताएं जरा, aquatic को कौन सा angiosperm aquatic होता है? Name one angiosperm which is aquatic. Lotus. Okay. Lotus. Conditions. Besides being a source of food. This is the economic importance of the angiosperm. Food की form में हम angiosperms को use करते हैं, जैसे mango है, पीच है, बनाना है, ठीक है, एग प्लांट है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स जिनको हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या फिर पल्सेस या फिर सीरियल्स की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है? कुछ एंजियोस्पर्म्स के सीड्स को फ्यूल की फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है? ठीक है, और वैसे भी जो वुड होती है उसको भी फ्यूल की फॉर्म में यूज करते हैं ना, लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है? प्लांट्स को फॉडर के फॉर्म में यूज करते हैं, यानी जो कैटल्स हैं उनके लिए जो चारा होता है, फॉडर होता है, उसकी फॉर्म में यूज किया जाता है, ठीक है? और कई एंजियोस्पर्म से मेडिसिंस तैयार की जाती हैं, रॉ मटेरियल होता है एंजियोस्पर्म्स, जो वो मेडिसिंस बनाने के लिए यूज होते हैं। They supply us with fuel, fodder and medicines. Thus, angiosperms form an integral part of the ecosystem as well as of our daily lives. If you observe the life cycle of any sexually reproducing plant, you will notice that it alternates between a sporophytic generation and a. बताएं जरा ये किसकी life cycle दिखाई गई है? This life cycle is. बोलो किसकी है ये लाइफ साइकिल? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, हां एंजियोस्पर्म, ये देख जिम्नोस्पर्म। किस किस का मानना है कि ये जिम्नोस्पर्म की है, इसको देख के पता नहीं चल रहा ये क्या बताया हुआ है। टेरिडोफाइट, हां बिल्कुल सही बोला, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। और इसका नाम क्या है? फर्न। इस टेरिडोफाइट का नाम क्या है बेटा? फर्न, ठीक है? यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज होती है, दैट इज द डोमिनेंट नहीं बोल सकते हैं, दोनों फेजेस इक्वल रहती हैं अप्रोक्सीमेटली, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के केस में सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक कौन सी फेज जाती है? वो होती है स्पोरोफिटिक फेज। तो डोमिनेंट फेज कौन सी हुई जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में? स्पोरोफिटिक, ठीक है? जबकि टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा अगर आप इससे लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि एल्गे की बात करें, वहां पे डोमिनेंट फेज किसकी थी बोलिए?
डोमिनेंट फेज थी गैमेटोफाइट की, ठीक है। ब्रायोफाइट में भी डोमिनेंट फेज कौन सी थी, गैमेटोफाइट। शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सी फेज आ रही थी, दैट इज द स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है। मैं आपको फिर से वो पैटर्न बताऊंगी, लाइफ साइकल्स बताऊंगी, हैप्लोन्टिक, डिप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक। गैमेटोफाइटिक जनरेशन, दिस इज टर्म्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब जैसे ही स्पोरोफिटिक फेज कंप्लीट हो रही है तो स्पोरोफिटिक के बाद गैमेटोफिटिक जनरेशन या फेज आ रही है, ठीक है। अल्टरनेट मैनर में क्या हो रहा है, अलग अलग फेजेस प्लांट जो है वो इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक, स्पोरोफिटिक के बाद गैमेटोफिटिक। इन द लाइफ साइकिल ऑफ द फर्न फॉर इंस्टेंस, द मेन प्लांट बॉडी द मैच्योर स्पोरोफाइट बेयर्स स्पोरेंजिया। कहां पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरोफाइट में, स्पोरेंजियम बताएं। स्पर्म के केस में आपने पढ़ा था स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, विच पार्ट ऑफ द प्लांट, स्पोरोफिटिक प्लांट में कौन से पार्ट पे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, बताएं जल्दी से। स्पर्म के केस में पढ़ा था, आपको बताया था मैंने, यस वंशिका, यस वेरी गुड। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इन केस ऑफ स्पर्म they contain the sporangia, ठीक है। बहुत सारे sporangia को वो bear करता है, जहाँ पे वो क्या बनाएगा, उससे spores बनाएगा, और वो spores जो है वो gametophytic phase में जाएंगे और फिर उसके बाद fertilization का process होगा, which produce haploid spores through meiosis. These spores undergo mitosis and germinate into a prothallus, a gametophyte with haploid cells. ठीक है बेटा, यहाँ पे वो स्पोरेंजियम के अंदर कोई स्पोर बनाने वाला मदर सेल होगा, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बने, ठीक है। मायोसिस डिवीजन से हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और वो हैप्लॉइड स्पोर क्या करेगा, किसी सबस्ट्रेटम पे या प्लेटफॉर्म पे जाके गिरेगा, ठीक है। फिर जर्मिनेशन होगी, ठीक है। और जर्मिनेशन होने के बाद वो हैप्लॉइड स्पोर जो है वो प्रोथैलस में चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज होगा, प्रोथैलस में। The prothallus bears the antheridium and archegonium. अगर उस प्रोथैलस पे एक ही प्रोथैलस के ऊपर अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट में आर्चिगोनियम पे एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइट आएगा, ठीक है। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड, और वो आर्चिगोनियम में एग के साथ फर्टिलाइज कर देगा, इसको फ्यूज कर देगा, और वहां से डिप्लॉइड और जाइगोट बनेगा, रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस एंथेरोजॉइड्स एंड एग। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, जिम्नोस्पर्म्स में भी आर्चिगोनियम ही बोला जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनियम नहीं बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं फीमेल पार्ट को, ठीक है। The haploid male and female gametes. The fusion of these